तो यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी सारे जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर के लिए कोई अच्छा एप्लीकेशन हो जिससे हम अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को आराम से कर लें। तो इस वीडियो में आपको तीन एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, और जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए एक एप्लीकेशन एडिशन और बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जयंद ऑफिसर्स, माय नेम इज भजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है आपका इनसाइट ऑन इंडिया। हालांकि आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। आप इसका इंटरफेस देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। करंट अफेयर, क्विज, आंसर राइटिंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके जो वेबसाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप उसको भी देख सकते हो। हालांकि यहाँ से काफ़ी सारे जो लिंक हैं आप उनके वेबसाइट पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। तो एक चीज़ और, जितने भी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ इनके डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आपको आराम से आसानी से देख सको। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, आपने करंट अफेयर तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, अब उसको किस तरीके से रिवाइज करोगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है प्रेप जॉय। जैसे नाम से दिख रहा है, प्रेप यानी प्रिपरेशन, जॉय यानी इन्जॉयमेंट के साथ में। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि आप अपने करंट अफेयर को गेमिंग के साथ में, जैसे गेम खेलते हैं ना उसी तरीके से अपने करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पर आ रहे हो जा रहे हो, करंट अफेयर को पढ़ना तो काफ़ी ज़्यादा हेडअपफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा हेडअप हो जाता है, तो आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने पूरे दिन का करंट अफेयर पढ़ा, आप वहाँ पे जाकर 15 क्वेश्चंस होंगे। जैसे इसका जो इंटरफेस है इस तरीके से है, यहाँ पे डेली के हिसाब से भी, जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 27 है, तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ, इसके वीडियो लेक्चर्स को डे बाई डे, वीकली, मंथली वॉच भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरे का पूरे इस तरीके से स्लाइड करके आप इनको देख सकते हो, वीकली भी है, मंथली भी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। पहले इसका बेनिफिट क्या होगा, पहला जो टाइम वेस्ट है वो बच सकता है, यानी आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, प्रोडक्टिव बना सकते हो। दूसरा, रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तीसरा, जैसे आप इसमें अच्छे पॉइंट गेन करते हो तो इसमें एक लीडरशिप बोर्ड भी है, लास्ट 7 दिन में किसने कितने पॉइंट गेन किए हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू उनको मतलब टॉप 10 की लिस्ट दी जाती है, तो जिससे आपको एक अच्छा फील भी होगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हो आप, तो आपको सही लगेगा। इस एप्लीकेशन का खास फीचर जो लगा वो है इसका कैफे सेक्शन। इसमें कैफे वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर कोड वगैरह देख सकते हो डेली के, एंड यहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे डेली के करंट अफेयर के, इस तरीके से जो आपके लिए काफ़ी सही है। इसमें लिंक वगैरह भी दे रखे हैं ताकि आप आराम से उसको एक्सेस भी कर पाएँ और पूरी जानकारी को ठीक से देख पाएँ। तो ये मुझे सेकंड वाले एप्लीकेशन में काफ़ी शानदार लगा। जो तीसरा एप्लीकेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो करंट अफेयर जिनके पास पढ़ने के लिए यानी 2-3 साल हैं आराम से UPSC के साथ में, थोड़ी सी जानकारी और भी रखना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन है GK करंट अफेयर। यहाँ से आप ऐसे स्लाइड कर करके आराम से सारी न्यूज़ को देख सकते हो। इसमें मुझे जो अच्छा लगा वो ये है, मैं सारे के सारे करंट अफेयर को फिल्टर कर सकता हूँ डेट बाई डेट। जो चौथा एप्लीकेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो UPSC की प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं, अभी 10th में हैं, 12th में हैं, कुल मिला के ये कि न्यूली आ रहे हैं और अभी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, बस करना चाहते हैं, तो उनके लिए InShorts। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी सही है। इसमें माई फीड के नाम से ऑप्शन होता है। इस एप्लीकेशन का मुझे फायदा ये लगा कि आप आराम से कम वर्ड्स में ज़्यादा जानकारी को ले लोगे, और आपको डिटेलिंग चाहिए होता है इससे राइट स्वैप करके आप आराम से वो सारी की सारी चीज़ देख सकते हो। देखो, इन एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम आप किस तरीके से प्रोडक्टिव वे में इनको यूज़ कर सकते हो, 2-3 चीज़ ध्यान रखना। UPSC का सिलेबस देखना, जितने भी डायनेमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह को एनालाइज करना कि पूरे मंथ में किस तरीके की मैगजीन में कौन से टॉपिक को उठाया गया है, ये सारी चीज़ को एनालाइज करना। और UPSC का सिलेबस, मैगजीन और न्यूज़पेपर, इन्होंने किस तरीके के टॉपिक को कवर किया है, ऐसे ही न्यूज़ को इन एप्लीकेशन में देखना, जिससे आप अपने प्रैक्टिस आप प्रोडक्टिव वे में कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी एफर्ट लगता है इस वीडियो बनाने में, लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके और सारे रिव्यूज को देख सकते हो हमारे चैनल पर जितने भी, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके जितने भी स्ट्रेटेजी गाइडेंस वाली वीडियो है आप उनको देख सकते हो। हमारा जो सेकंड चैनल है बजेंद्र सिंह सम्राट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो पर्सनल चैनल है। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।